हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड के बारे में, जिसे देखने के बाद आप ज़रूर यहां जाना चाहेंगे। उत्तराखंड द हीवन ऑन द अर्थ। उत्तराखंड, जिसे धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है, उत्तराखंड भारत का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्टेट है। इसी स्टेट में काफ़ी फेमस टेम्पल्स भी हैं एंड यहाँ ट्रैकिंग के शौकीन भी आना पसंद करते हैं। और इसी स्टेट से हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाली नदियों में से दो नदियाँ, गंगा और यमुना, की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इसके टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में बताते हैं। नंबर 10 है अल्मोरा। अल्मोरा एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है। ये शहर काफ़ी अट्रैक्टिव हिल स्टेशन है जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ये शहर पूरी दुनिया में अपने रिच कल्चरल, स्प्लेंडिड हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ एंड डिलीशियस फूड के लिए फेमस है, जिस वजह से हर जगह से टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करते हैं। अगर आप भी यहाँ की नेचर्स ब्यूटी को देखने एक बार आए तो बार बार यहाँ आना चाहेंगे। आप यहाँ पर सिमतोला, जीरो पॉइंट, बिनसार, कसार देवी टेम्पल, मरतोला के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 9 है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड स्टेट की पहाड़ियों के बीच लोकेटेड एक फेमस तीर्थ स्थल है। हरिद्वार को हिंदुओं के 7 पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। हरिद्वार मीन्स भगवान तक पहुंचने का रास्ता। यही वजह है कि ये प्लेस अपनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से ज़्यादा फेमस है। आप एरोप्लेन, बसेस एंड ट्रेन्स के थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पर हरकी पौड़ी घाट, माता मनसा देवी टेम्पल, माँ चंडी देवी टेम्पल, भारत माता टेम्पल और विष्णु घाट के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 8 है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहां पूरे साल टूरिस्ट देश और विदेशों से आते हैं। ये शहर देहरादून से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इस शहर को गढ़वाल हिमालय का एंट्री गेट एंड योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर किसी शांत जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ आप नेचर्स ब्यूटी के बीच मेडिटेशन एंड योगा भी कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर्स करने के शौकीन हैं तो यहाँ आप रिवर राफ्टिंग एंड बंजी जंपिंग जैसे कई एडवेंचर्स भी कर सकते हैं। यहाँ आप लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, स्वर्ग आश्रम, बीटल्स आश्रम और पारमर्थ निकेतन आश्रम के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 7 है देहरादून। उत्तराखंड स्टेट की कैपिटल देहरादून हिल स्टेशन एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये दून वैली के बीच लोकेटेड एक सीनिक व्यूज वाला प्लेस है जो फैमिली वेकेशन, फ्रेंड टूर एंड कपल्स के घूमने के लिए एकदम बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। ये सी लेवल से 1400 फीट की एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। ये मसूरी से ओनली 34 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप एंशियंट स्केप एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप राजाजी नेशनल पार्क, मालसी डियर पार्क, रोबर्ट स्केप, तपकेश्वर महादेव टेम्पल, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 6 है बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ टेम्पल, जिसे बद्रीनारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में लोकेटेड है। ये 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ टेम्पल सी लेवल से लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है। यहाँ से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि यहाँ के दर्शन करने से सभी इंसानों के पाप धुल जाते हैं। इस टेम्पल के सामने नीलकंठ पीक है। ये टेम्पल जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक बेस कैंप भी है। यहाँ पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम मई, जून एंड सेप्टेम्बर अक्टूबर का है। यहाँ पर आप सोनप्रयाग, त्रियुगी नारायण टेम्पल, गौरीकुंड के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 5 है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर रोमांटिक हिल स्टेशन में से एक है जो अपनी नेचर्स ब्यूटी की वजह से फेमस है। इसको क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नेचर्स ब्यूटी इसे हनीमून के लिए एक फेमस प्लेस बनाती है। आप यहां पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे स्काई वॉक, जिप स्विंग, जिप लाइन, रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, स्कीइंग एंड पैराग्लाइडिंग। आप यहां पर कंपनी गार्डन, मौसी फॉल्स, द मॉल रोड, गन हिल, मसूरी लेक के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप मसूरी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। नंबर 4 है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ये एक वंडरफुल हिल स्टेशन है जो एक यूनिक शेप की लेक के चारों ओर बना हुआ है, जिसे नैनी लेक के नाम से जानते हैं। ये प्लेस सीनिक व्यूज एंड वाइब्रेंट एनवायरनमेंट की वजह से टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर आप नैनी लेक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप, मॉल रोड, हनुमानगढ़ी के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 3 है तुंगनाथ टेम्पल।
ये टेंपल पहाड़ों की चोटी के बीच बसा हुआ एक फेमस टेंपल है जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये टेंपल सी लेवल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। ये टेंपल ऐसी लोकेशन पर है जहां से आपको सीनिक व्यूज देखने को मिलते हैं। इस टेंपल को अप्रैल या मई में ओपन किया जाता है और दिवाली के बाद शिव जी की मूर्ति को चौपटा में रखकर टेंपल को बंद कर दिया जाता है। ये टेंपल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके ट्रैक की फीस भी लगती है जो कि 150 रुपये पर पर्सन की है। यहाँ पर आप चंद्रशिला पीक, रोहिणी बुग्याल, अनुसुईया देवी टेम्पल, देवरिया ट्रैक, ऊखीमठ चौपटा के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 2 है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड में हिमालयस की वैली में लोकेटेड इस टेम्पल की बहुत मान्यता है। केदारनाथ माउंटेन रेंज के बीच लोकेटेड एक फेमस टेम्पल है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड इस टेम्पल को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये अप्रैल मिड से नवंबर मिड तक ओपन रहता है। ये सिर्फ डिवोटीज के लिए ही नहीं बल्कि टूरिस्ट के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पर आप आदि शंकराचार्य समाधि, श्री भैरवनाथ टेम्पल, चोराबारी ताल, वासुकी ताल, मेडिटेशन केव के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 है ओली। ओली उत्तराखंड का एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड स्कीइंग के लिए फेमस है। ओली एक फेमस हिल स्टेशन है जहां आपको सेब के बाग, ओल्ड ओक एंड देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे। ओली को अपनी स्लोप्स एंड क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशन माना जाता है। यहां आप ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं जहां आप गढ़वाल हिमालयस के पहाड़ एंड मेसमराइजिंग व्यू ऑफ स्नो को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर आप ओली रोपवे, ओली आर्टिफिशियल लेक, गोरसन बुग्याल, चत्रकुंड और जोशीमठ घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस जिन्हें देखने के बाद आप भी यहाँ जाने का मन बना बैठे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ के 5 फेमस फूड्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये है काफुली। ये उत्तराखंड का फेमस फूड है जिसे पालक और मेथी के पत्तों से तैयार किया जाता है। इसको चावल या गेहूं और पानी के पेस्ट से बनी ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है। ये आपको उत्तराखंड में किसी भी रेस्टोरेंट में इजीली से मिल जाएगी। दोस्तों ये है फाणू। ये एक ऐसी डिश है जिसे गढ़वाल के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे कई तरह की दाल से बनाया जाता है। ये एक तरह की स्मूथी डिश है जिसे चावल के साथ सर्व किया जाता है। अगर एक बार आपने इसको टेस्ट कर लिया तो आप इसको बार बार टेस्ट करना चाहेंगे। ये है बाड़ी। बाड़ी उत्तराखंड की फेमस डिश है। ये न केवल अपने टेस्ट के लिए फेमस है बल्कि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये डिश टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है जिस वजह से इसे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड माना जाता है। इसका टेस्ट फाड़ू के साथ खाने से और भी बढ़ जाता है। इसे ब्लैक कलर के कुवाड़ा की काटा से बनाया जाता है। अगर आप उत्तराखंड आएँ तो इसे ज़रूर टेस्ट करें। दोस्तों ये है बाल मिठाई। बाल मिठाई को उत्तराखंड की चॉकलेट भी कहा जाता है। एक ऐसी चॉकलेट जिसे चोकोबीन से नहीं बल्कि खोए से बनाया जाता है। इस मिठाई की खासियत यह है कि ये खाने में कुरकुरी लगती है। इस मिठाई का टेस्ट इतना औसम है कि टूरिस्ट एंड यहाँ के लोकल लोगों की ये फेवरेट मिठाई बन गई है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो दोस्तों ये मेरी फेवरेट मिठाई है। अगर आप उत्तराखंड आएँ तो इस मिठाई को ज़रूर टेस्ट करें। ये है झंगोरा की खीर। अगर आप उत्तराखंड आएँ तो डिनर के बाद झंगोरा की खीर को ज़रूर ट्राई करें। इस टेस्टी खीर को उत्तराखंड के लोकल लोग ही नहीं बल्कि टूरिस्ट भी पसंद करते हैं। झंगोरा एक तरह का बाजरा है जिसे मिल्क, शुगर एंड मसालों से मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपने इसको एक बार टेस्ट कर लिया तो आप इसे बार बार ट्राई करना चाहेंगे। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की 5 फेमस डिशेस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।